शुरुआत तो सब अच्छी करते हैं, मसला तो सारा आखिर तक अच्छा बने रहने का है। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शरावत आपका निजू क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे 9 मई का करंट अफेयर और धान की सीधी बुआई। जैसे धान क्या है, धान अक्सर पौधों से रोपा जाता है, जैसे पहले पौध तैयार किया जाता है उसके बाद बोया जाता है, तो उसमें बहुत सारा पानी लगता है, लगभग 23% ज़्यादा पानी लगता है। तो उसकी अगर धान की हम सीधी बुआई करें, करने पर किसानों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, ठीक है। तो ये पंजाब सरकार ने घोषणा की है, पंजाब सरकार, ठीक है, धान की सीधी बुआई पर किसानों को 1500 रुपये प्रति एकड़ देगी। 1500 रुपये प्रति एकड़ जो है वो किसानों को दिए जाएंगे। पानी बचाने के लिए ये मुहिम पंजाब सरकार ने शुरू की है। नेथन्ना बीमा योजना, नेथन्ना बीमा योजना के तहत बीमा कवरेज बढ़ाने वाली सरकार, ठीक है। नेथन्ना योजना, बीमा योजना जो है ये हथकरघा जो धंधे होते हैं उनके लिए होता है, तो उसमें बीमा कवरेज जो है बढ़ाया है तेलंगाना सरकार ने नेथन्ना बीमा योजना के तहत जो बीमा कवरेज है उसको बढ़ाया है, ठीक है, उसको इजाफा किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ़ायदा उससे संबंधित काम करने वालों को हो सके। 2021 में सबसे ज़्यादा रियल टाइम लेन देन में शीर्ष पर भारत देश रहा है, ठीक है। हमारा भारत देश USA और चाइना को पीछे छोड़ के 2021 में सबसे ज़्यादा रियल टाइम लेन देन में आगे रहा है भारत, ठीक है। और इसी में ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स, ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में सिरस पर, तो इसमें सिरस पर USA रहा है, ठीक है। 2021 में सबसे ज़्यादा रियल टाइम जो लेन देन है उसमें सिरस पर भारत रहा है और ग्लोबल क्रिप्टो इंडक्शन इंडेक्स में सिरस पर USA रहा है। T20 में सबसे ज़्यादा अर्धशतक, ठीक है, डेविड वार्नर ने लगाए हैं, 89 अर्धशतक इनके हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के हैं ये ओपनर बल्लेबाज, इस बार IPL में दिल्ली कैपिटल से खेल रहे हैं। तो क्रिस गेल के 88 थे, उनका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ के 89 हो गए हैं। क्रिस गेल संन्यास ले चुके हैं, स्तंतर जो हैं वो कोहली भी जमा चुके हैं अर्धशतक T20 में। तो T20 में सबसे ज़्यादा अर्धशतक जमाने वाले जो खिलाड़ी हैं वो बने हैं डेविड वार्नर, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं ये। हाल ही में निधन हुआ है मोहन जुनेजा का। ये अभिनेता थे, इन्होंने KGF 2 जो भी आई थी उसमें भी काम किया था। 54 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है, मोहन जुनेजा, इनका निधन हुआ है, ये अभिनेता थे। BCCI ने 2 साल का प्रतिबंध लगाया है, ये किसी खिलाड़ी पर नहीं, पत्रकार पर लगाया है। क्या था, रिद्धिमान शाह जो विकेट कीपर हैं भारत के, उनको धमकाया था बोरिया मजूमदार ने धमकाया था, तो उसने शिकायत में दोषी पाए गए, तो फिर 2 साल तक इनको बैन कर दिया, ये किसी भी स्पोर्ट एक्टिविटी को इसमें कवरेज आगे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर से आपातकाल लगा दिया है। तो मैंने आपको बताया था कि वित्तीय आपातकाल लगा था श्रीलंका में,
पहले वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति है, तो अब फिर वहाँ पे आपातकाल लगा दे, क्योंकि जो विपक्ष है वो संसद को लगातार क्या है बंद करने की मांग कर रहा है, तो इस वजह से बचने के लिए फिर से आपातकाल लगा दिया है श्रीलंका में। ठीक है, स्किल लोन लॉन्च करने के लिए ASAP ने समझौता किया है, ASAP ने समझौता किया है कैनरा बैंक के साथ समझौता किया है। ठीक है, स्किल लोन लॉन्च करने के लिए ASAP ने जो है समझौता किया है कैनरा बैंक के साथ में। ठीक है, कैनरा बैंक के साथ में समझौता किया है। 2030 तक 15,000 स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए स्टार्टअप नीति लागू की है दिल्ली सरकार ने 2030 तक 15,000 स्टार्टअप जो है समर्थन करने के लिए स्टार्टअप नीति लागू की है दिल्ली सरकार ने। ठीक है, दिल्ली 1911 में जो है भारत की राजधानी घोषित की गई थी, उससे पहले कलकत्ता भारत की राजधानी थी। ठीक है भाई, कलकत्ता इससे पहले भारत की राजधानी थी। NSDL के निवेशक, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड होता है ये, इसके तहत निवेशक जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की है निर्मला सीतारमण कौन है, हमारे देश की वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। इन्होंने NSDL के निवेशक जागरूकता कार्यक्रम का उद्घाटन किया, उसकी शुरुआत की है। कनर्जी टेक्नोलॉजी में 7% की हिस्सेदारी 7% की हिस्सेदारी डाली है एयरटेल ने कनर्जी टेक्नोलॉजी में 7% की हिस्सेदारी डाली है। J&K चुनावी नक्शे, अभी जैसे J&K पीछे क्या पहले राज्य था, फिर उसको क्या बना दिया था, UT बना दिया, तो उसके बाद चुनाव होने हैं वहाँ पे, तो चुनावी नक्शे को फिर से तैयार करने के लिए परिसीमन आयोग गठित किया गया था के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, जो वहाँ पे क्या होगा, चुनावी नक्शा जो है वो बनाया जाएगा, तो उसके लिए परिसीमन आयोग जो है वो गठित किया गया था, तो उसके अध्यक्ष जो हैं वो बनाए गए हैं जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को क्या किया गया है, जम्मू एंड कश्मीर के चुनावी नक्शे को फिर से तैयार करने के लिए परिसीमन आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। तो आज की करंट के हिसाब से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे सारे आज उन्होंने पढ़े हैं। आप ऐसे ही पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी सफलता के प्रति निरंतर प्रयासरत रहें। जय हिंद, जय भारत।